हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी। बहुत दिनों से हमारी नई वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाई, उसके कई कारण थे। किसी दिन आप लोगों को लाइव आकर मैं इस बात का बताऊंगी कि क्यों मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाई। एक लंबे समय के बाद वीडियो आप लोगों को देने के लिए माफी चाहती हूँ। और आज हम जिस चित्रकार की बात करेंगे, इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको बंगाल शैली तक के प्रमुख चित्रकारों के विषय में, चाहे अवनींद्रनाथ की बात हो, चाहे नंदलाल बोस की बात हो, चाहे आपके अब्दुल रहमान चुगताई हो या देवी प्रसाद राय चौधरी, बंगाल शैली तक मैंने आपको बता दिया है। बीच में कोई भी टॉपिक चित्रकला का नहीं छूटा है। आगे आपको मैं मूर्तिकला से भी संबंधित वीडियो बना के दूंगी। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, वो नंदलाल बोस के शिष्य, शांति निकेतन में शिक्षित चित्रकार, एक ऐसा चित्रकार जिसको कहा जाता है कि वो अपनी अंतरात्मा की आंखों से चित्र बनाता था। मतलब आंखों, अंतरात्मा की आंखों से देखता था। अब इतना आपने टाइटल भी देख लिया होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो आज हम बात करने वाले हैं नंदलाल बोस के प्रमुख शिष्यों में विनोद बिहारी मुखर्जी के विषय में, एक शांति निकेतन के मूर्धन्य कलाकार, जानी मानी कलाकार, एक ऐसा चित्रकार। यहाँ पर मैं एक छोटे से बाकी से कहानी शुरू करूंगी या आज की वीडियो शुरू करूंगी। वीडियो आप अंत तक देखिएगा, इसमें परीक्षा में आने वाला एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब 1917 में शांति निकेतन में एडमिशन लिया, और 1917 से एडमिशन लेकर 1919 में उन्होंने कला सीखनी शुरू की। तो उस समय जब इन्हें नंदलाल बोस ने देखा, तो इनकी जो आईसाइट थी बहुत ज्यादा कमजोर थी। मतलब ये बचपन से ही आंखों से कमजोर थे, अंधे नहीं थे। बाद में इन्होंने जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो इनकी आंखें चली गई। तो ये तो बाद की बात है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने ज्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया था शुरू में। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर से कंप्लेन की। कंप्लेन करते हुए, या हम कहें कुछ उन्हें उनसे बात करते हुए, उन्होंने कहा कि ये छात्र ऐसा है जिसको 6 सेंटीमीटर की दूरी से तो कागज दिखाई देता है, वो बहुत झुक कर काम करता है, ऐसा छात्र कैसे काम कर पाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनसे कहा कि पहले ये बताओ कि वो कौन सा काम ज्यादा करता है। तो नंदलाल बोस जी ने कहा कि जी वो चित्र बहुत बनाता है। तो उन्होंने कहा बस, और उसे कुछ करने मत देना। आप सोचो, उनका आईसाइट बहुत वीक था, और धीरे धीरे उस टाइम से नंदलाल बोस ने इन पे ध्यान दिया। और नंदलाल बोस के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी की। ज्यादा ये मत सोचिएगा कि मैंने कहानी सुनाई, तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि अच्छा ऐसे थे ये। सर 1904 में इनका जन्म होता है, और कहाँ होता है? बेताला, पश्चिम बंगाल में। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में बेताला, पश्चिम बंगाल में होता है। इनको उपनाम क्या दिया गया? तो इनको उपनाम शांति निकेतन में लोग इन्हें आपा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? आपा कहते थे। इनके गुरु नंदलाल बोस, जिन्हें मास्टर मोसाय कहा जाता था, और इन्हें क्या कहा जाता था? आपा कहा जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ये भी देख लो कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आपा उपनाम से पुकारते थे, या इनमें से कौन सा चित्रकार है जो आपा उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो या विनोद बिहारी को किस उपनाम से जानते थे? तो आपको याद रखना है, आपा के नाम से जानते थे। ठीक है, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और 1980 ईस्वी में शांति निकेतन में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जन्म मृत्यु क्लियर हो गई, एक पॉइंट क्लियर। इंपॉर्टेंट जन्म होता है, वैसे कई बार मृत्यु का किसी किसी का पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। उपनाम हो गया, इन्होंने किन माध्यमों में काम किया है, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसे जान लेंगे, इनके डिटेल में इनका पूरा बायोडाटा जानने से पहले हम पहले उनका मोटा मोटा पूरा जानकारी ले लेते हैं इनकी। तो इन्होंने टेम्परा, भित्ति चित्रकार और म्यूरल चित्रकार के रूप में काम किया। इन्होंने टेम्परा माध्यम में काम किया, इन्होंने एक भित्ति चित्रकार के रूप में काम किया, इन्होंने म्यूरल भी बनाए। तो यहाँ पर भित्ति चित्र और म्यूरल में अंतर होता है। म्यूरल दीवार पर मूर्तियां, रिलीफ मूर्तियां या
कुछ अन्य सामग्री लगा के मूर्तियां बनाई जाती हैं, और भित्ति चित्र दीवालों पर चित्र बनाए जाते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। जन्म मैंने आपको बताया, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? शांति निकेतन में हुई। इनके गुरु नंदलाल बोस थे। गुरु कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। अब यहाँ पर मैंने वो बाकी आपको बता ही दिया कि 1919 से इन्होंने आर्ट वर्क करना शुरू किया था, ठीक है। बचपन से थोड़ी सी इनकी आईसाइट वीक थी, और हम कह सकते हैं कमजोर दृष्टि के चित्रकार थे ये। तो इसके बाद आता है कि इन्होंने चित्रण विषय क्या चुना। अभी हमने इनकी चित्रण तकनीकी देखी, चित्रण टेक्निक देखी, और हमने ये देखा कि किन किन चीजों में इन्होंने काम किया। अब चित्रण विषय, इन चीजों को बनाने के लिए इन्होंने क्या चुना, चित्र क्या बनाए? तो इन्होंने दैनिक जीवन के चित्र बनाए। यहाँ पर आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनका चित्र मंदिर का घंटा, यहाँ पर मंदिर का घंटा बना हुआ है, यहाँ लोग जाते आते बने हैं, नॉर्मल बहुत साधारण जीवन जो रोज में हम रहते हैं। चाहे इनका चित्र पुल देख लो, चाहे प्ले संथाल बॉयज इनका चित्र देख लो, ये सारे चित्र जो है दैनिक जीवन के चित्र इन्होंने बनाए हैं। नॉर्मली जाते हुए लोग देखिएगा आप लोग, तो इस तरीके से इन्होंने चित्रण किया, एवं वीरभूमि के निवासियों का चित्रण। अब वीरभूमि आप लोगों को याद होगा कि शांति निकेतन जहाँ स्थित था, उस स्थान को पहले वीरभूमि कहते थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने, या उन्होंने उसको बनाया था या स्थापित किया था। वहां के लोगों का चित्रण, वीरभूमि एक स्थान है, वहां के लोगों का चित्रण किसने किया है, निवासियों का चित्रण? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। आपसे ये पूछ सकता है विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्रण विषय क्या था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका इन्होंने क्या चित्रित किया। दोनों तरीके से यही चीज होगी। अब इसके बाद बात आती है, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। देखिए, छूटेगा एक भी पॉइंट नहीं, बस आवश्यकता क्या है कि आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और आप बीच बीच में कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ ये है, ये सही है। और मैं आप लोगों को पूरा टाइम, जब वीडियो चलता है तो मैं पूरा टाइम देखती हूँ। चलिए, पुस्तकें, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, इनकी पुस्तक है आधुनिक शिल्प शिक्षा या मॉडर्न स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर क्यों, शिल्प यहाँ मूर्ति कला से संबंधित है। आधुनिक शिल्प शिक्षा या मॉडर्न स्कल्पचर किसकी है, मॉडर्न स्कल्पचर? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है। किताबें बहुत पूछी जाती हैं पेपर में, याद रखिएगा। चित्रकार, ये इनकी आत्मकथा है। चित्रकार आत्मकथा कहते हैं, क्या कहें, अपने जीवन के विषय में जो लिखता है खुद से, वो होती है आत्मकथा। और अगर जैसे इनका जीवन पूरा लिखूं मैं, तो क्या वह कहलाएगी, वो जीवनी कहलाएगी। तो क्योंकि इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, द आर्टिस्ट या चित्रकार करके, तो ये इनकी आत्मकथा है। 1979 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, और इसमें इन्होंने एक डायलॉग लिखा था, कहा था कि अंधा होना बहुत जटिल है, लेकिन हमारे आंखों को वो और सुदृढ़ कर देता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब चित्र को बनाता है, तो आपने देखा और बना दिया, और मैं जब देखूंगा कि ये कुर्सी है, तो उसको स्पर्श करके देखूंगा कि अच्छा ये कुर्सी है, इसका हाथ है कि नहीं है, है ना। तो ये चीज इन्होंने लिखी थी द आर्टिस्ट में। अब इसके बाद विनोद बिहारी मुखर्जी इतने प्रसिद्ध थे, इतने सिद्धहस्त थे, इतने अच्छे चित्रकार थे, तो इनको पुरस्कार मिलना भी लाजमी था, और पुरस्कार भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हम विनोद बिहारी मुखर्जी जी के पुरस्कार देख लेते हैं, इनको कौन से पुरस्कार मिले। तो आप लोगों को पता होगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, तीन है जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। सन 1974 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किस चित्रकार को मिला था? पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किस चित्रकार को मिला था? आपको कमेंट में आंसर देना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला पुरस्कार जो इन्हें मिला, सन 1977 ईस्वी में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय का देशोत्तम पुरस्कार मिला, मतलब देश में सबसे उत्तम चित्रकार। तो 1977 ईस्वी में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय का देशोत्तम पुरस्कार मिला, यह भी आपको ध्यान रखना है।
1980 ईस्वी में इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया गया। तो ये इनके पुरस्कार थे, ये उपलब्धियां इनकी रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद जब पूछा जाता है तो चित्रकार के चित्र पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चित्रकार के चित्र। तो इनके प्रमुख चित्रों में हम देखते हैं अट्टम इन गार्डन, टेम्पल वेल मतलब मंदिर का घंटा, पुल, जंगल, मदर एंड चाइल्ड, ट्री लवर। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इन्होंने ट्री लवर बनाया था और काफी अच्छा चित्र इन्होंने बनाया था और इसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी ट्री लवर की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्ले संथाल बॉयज, ये इनका चित्र तैल माध्यम में बना हुआ है और ये मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया चित्र। अगला आता है ब्लैक शॉप, टेम्परा माध्यम में बना है, मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। अब देखिए प्ले संथाल बॉयज का माध्यम जो है तैल है और ब्लैक शॉप का माध्यम जो है वो टेम्परा है, तो दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान रखना। गली में चलते फिरते लोग, ये नॉर्मल साधारण जनजीवन बनाते थे, वही चित्र इन्होंने बनाया है। बाग में चहलकदमी, अब मान लो कोई खाना खाने के बाद टहल रहा होगा, इनको भनक लग गई, इन्होंने बना दिया बाग में चहलकदमी। सनफ्लावर, सनफ्लावर चित्र। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ, पाश्चात्य कला में किस चित्रकार ने सनफ्लावर बनाकर बहुत ख्याति प्राप्त की, मतलब उसके मरने के बाद वो सनफ्लावर चित्र फेमस हुआ, लेकिन आपको बताना है वो कौन सा चित्रकार है जिसका चित्र सनफ्लावर बहुत फेमस है। ओके, इसके अलावा हमने आपको कहा था कि ये भित्ति चित्रकार भी थे, तो इनके भित्ति चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिएवल हिंदू संत, ठीक है, शांत निकेतन, मध्यकालीन हिंदू संत इनका है, ये शांत निकेतन में बना है, मध्यकालीन हिंदू संत, ठीक है, और ये फ्रेस्को ब्यूनो तकनीकी में है, यहाँ लिख गया है यूनो, माफ करना हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, फ्रेस्को ब्यूनो। ओके, फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में ये बना हुआ है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, मिडिएवल हिंदू संत, इन्होंने हिंदी भवन में भी बनाया, मध्यकालीन हिंदी संत, ठीक है, या हिंदू संत, तो उनका चित्र इन्होंने बनाया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन गार्डन, अब हिंदू संतों में भी एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, मध्यकालीन हिंदू संत थे कौन कौन, यहाँ जैसे क्वेश्चन केवल चित्र उसका दे दे तो आप याद रखो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, और मीराबाई, रस खान, तो ये सब चित्रकार जो हैं ये मध्यकालीन हिंदू संतों में आते हैं, जिनमें पूछ सकता है मीराबाई एक बार पूछी गई है, तुलसीदास पूछे जा सकते हैं, सूरदास, इन्हीं सारे अन्य कई चित्रकार हैं जिनको इन्होंने चित्रित किया है, तो मध्यकालीन हिंदू संतों में ये चित्रकार आते हैं जिनको विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया। अगला, इन्होंने इन गार्डन एक म्यूरल बनाया, टेम्पल वेल्स ये भी इन्होंने म्यूरल बनाया। अच्छा एक चीज याद रखना, मिडिएवल हिंदू संत जो है भारत का सबसे बड़ा जो है म्यूरल है, उसके बाद आपका आता है किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ठीक है। अगला है वनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग में इन्होंने देवकी नंदन शर्मा के साथ, देवकी नंदन शर्मा। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं पूछती हूँ देवकी नंदन शर्मा से रिलेटेड, कि देवकी नंदन शर्मा को किस पक्षी का चितेरा कहा जाता है, आप कमेंट में बताइए जल्दी से, और जो लोग बाद में देखे वो भी बताएं, ठीक है। उनके साथ मिलकर भी इन्होंने म्यूरल बनाया। अब ये सेंटेंस क्या, वनस्थली विद्यापीठ के कला विभाग में देवकी नंदन शर्मा के साथ मिलकर विनोद बिहारी मुखर्जी ने एक म्यूरल बनाया। तो ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई, इनके म्यूरल, इनके चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विनोद बिहारी मुखर्जी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप, वो सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिंदु यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट था, सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी,
लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें जो शेष रह गई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे चित्रकार थे? तो यथार्थवादी चित्र थे भाई, उन्होंने जो देखा जो महसूस किया वही बनाया। सन 1948 या 49 से सन 1951 तक विनोद बिहारी मुखर्जी गवर्नमेंट म्यूजियम काठमांडू के अध्यक्ष या क्यूरेटर रहे। जब ये काठमांडू गए थे शांति निकेतन छोड़ के, तो वहां पर नंदलाल बोस के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से झटका था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विनोद बिहारी उन्हें छोड़ के या उनका शांति निकेतन छोड़ के जाएं, क्योंकि ये कला में बहुत पारंगत तो थे और अपने जो छात्र होते थे उनके साथ काफी पोलाइट रहते थे। अगला, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी 1972 में इनर आईज। इसे बनाया था सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे इनके शिष्य भी रहे और इनसे बहुत प्रभावित भी रहे, इसलिए उन्होंने इनर आईज बनाया, मतलब अंदर की आंख, मतलब हृदय की आंख। जब इनके अंधे होने के बाद हम कहें कि इनकी मतलब दृष्टि चले जाने के बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसके बाद, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या विनोद बिहारी जन्म से अंधे थे? जन्म से अंधे नहीं थे, कमजोर दृष्टि के थे, अंधे बाद में हुए। विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे होने के बाद भी चित्र बनाते रहे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध माना जाता है। अब भारतीय कला मतलब बंगाल शैली से, ये हमारी बंगाल शैली और ये आधुनिक शैली, तो उन्होंने टेक्निक जो वास वाली थी, जो टेम्परा था, वो बंगाल शैली से लिया और सब्जेक्ट हमारे आधुनिक चुने, मतलब वर्तमान का चुना, यथार्थवाद चुना। तो ये बीच के सेतुबंध हो गए, मतलब बीच का पुल हो गए इसको जोड़ने का। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी प्रवाहपूर्ण मोटी रेखाएं जो है करते थे, जो बनाते थे, वो इनकी वो रेखाएं कालीघाट शैली की याद दिलाती हैं। आप लोगों को याद होगा कालीघाट शैली, जिसमें सबसे ज्यादा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताइए आप लोग, कालीघाट शैली या हम कह सकते हैं बंगाल शैली, कलकत्ता शैली के रूप में किस चित्रकार ने सबसे ज्यादा काम किया है बताइए? तो इनके चित्र जो है, इनके चित्र भी कालीघाट शैली के याद दिलाते हैं, इनकी रेखाएं याद दिलाती हैं, चित्र नहीं, ये चीज याद रखना। सन 1951 से 52 तक ये बनस्थली राजस्थान में अध्यापक हो गए थे, मतलब इन्होंने कुछ दिन राजस्थान में भी, तो इन्होंने बनस्थली राजस्थान में भी पढ़ाया है, ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर 1952 से 54, अब इस समय यहाँ इस टाइम पीरियड में इनकी यात्रा समझिए चलती 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 रही, तब ये अंधे नहीं थे एक तरीके से, पूरी तरीके से। अब विनोद बिहारी मुखर्जी क्या हुआ, 1951 से 52 ये राजस्थान में अध्यापक रहते हैं वनस्थली में, वनस्थली विद्यापीठ में। फिर 52 से 54 ये मसूरी में अपने घर में रह के कार्य करते हैं अध्यापन का, मतलब बच्चों को अपने घर में पढ़ाते हैं। ठीक है, 1954 से 56 में इन्होंने पटना ललित कला विद्यालय के पुनरुत्थान का प्रयास किया, मतलब वहां पर कुछ टाइम पीरियड रहे, इसको उन्होंने दोबारा विकसित करने का प्रयास किया। और फिर क्या हुआ कि ये 1972 के लगभग अंधे हो गए और फिर वही हाल, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए, मतलब जहां से चले वहीं फिर अपने शांति निकेतन में आ गए और यहाँ आकर इन्होंने छात्रों को कला इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। कला इतिहास भी बहुत जरूरी है, जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इन्होंने कला इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस पैनल के पोस्टर बनाए थे तो उसमें भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने उनकी मदद की थी, जब उनकी आंखें नहीं गई थी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी बाबू ने 1937 से 38 के मध्य जापान की यात्रा की थी और यहीं से इनकी कला टेक्निक में, या हम कहें ड्राइंग टेक्निक में परिवर्तन आ गया था। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी मृणालिनी मुखर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जूट की रस्सियों से काम करती हैं, एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, जानी मानी मूर्तिकार हैं, मूर्ति कला की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं। अगला पॉइंट जो बन सकता है एग्जाम का, वो इनकी पत्नी लीला मुखर्जी से बन सकता है। लीला मुखर्जी भी एक उच्च कोटि की कलाकार थी, जो 2003 में इनका देहांत हो गया, लीला मुखर्जी का। ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि के जी सुब्रमण्यम ने विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस,
और रामकिंकर बैज को शांत निकेतन की त्रिमूर्ति कहा है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि शांत निकेतन की त्रिमूर्ति कौन है, तो आपको याद रखना है विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज। हाँ भाई, थे ही विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी शांत निकेतन में बहुत सहयोग किया, रामकिंकर बैज ने भी शांत निकेतन में बहुत सहयोग किया, और नंदलाल बोस तो इनके गुरु ही थे, तो इसलिए इन्हें त्रिमूर्ति कहा गया। सन 1970 ईस्वी में ये ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित हो गए थे, तो ये पॉइंट भी याद रखना। अगला आता है, विनोद बिहारी जी ने भित्ति चित्र, कोलाज व वुड कट तथा टेलीग्राफी, टेलीग्राफी मतलब एक अच्छी राइटिंग का काम भी इन्होंने किया, और सारे कार्य बड़ी ही कुशलता और सरलता से किए हैं। विनोद बिहारी का चित्रण, ये कला शिक्षक थे, ये चित्रकार थे, ये टिप्पणीकार थे तथा आलोचक थे। इन सभी पक्षों में अगर हम देखें तो इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान भारतीय कला को दिया। यहाँ पर इनका एक चित्र है जंगल, हमने जो बताया था आपको, पहाड़ी दृश्यों का भी चित्रण किया है, वाष् शैली में किया है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके कुछ चित्र और मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने धार्मिक चित्र बहुत बनाए हैं। यहाँ एक राजा दिख रहा होगा, हाथी पर सवार है, कुछ लोग जा रहे हैं, एक वैसे मिडिएवल संत वाला चित्र है ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। और यहाँ जब देखेंगे तो स्वयं विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। अब आप देख सकते हैं कितने नजदीक से देखकर ये काम करते थे। यहाँ ये इनका पेपर है और ये वर्क कर रहे हैं, इतनी दूरी, इतनी कम दूरी से देख पाते थे ये चित्र को, और फिर ये काम करते थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने इसलिए इनका चित्र दिखा दिया जी। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी ऐसा होता है कि बहुत कम लोग वीडियो देख पाते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं और वीडियोस दूंगी। इतने दिन वीडियो ना दे पाने के लिए आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ। आगे से आपको पूरी कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा।